अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक हो? अच्छा तो दोस्तों, एक्वेरियम बनाने का तरीका बता दिया आपको, अगर उसको खोलना पड़ जाए तो मैंने कहा आपको भी दिखा देते हैं, कभी इंसान को खोलना ही पड़ जाता है। ये देखें, ये 3 फुट का, 3 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ऊंचाई और 1 फुट गहराई है। तो इसको आज भाई खोल रहे हैं। ये ब्लेड है, टूट गया ब्लेड, तो अभी भाई निकाल रहे हैं। ये शीशा मेरे ख्याल से 6 mm का, 8 mm है भाई, 8 mm का शीशा है, खुल नहीं रहा। ये मैं दिखाता हूँ, ये खोल रहा है भाई इस पूरे शीशे को, और खोल के दोबारा बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी लीकेज हो जाती है एक्वेरियम में, तो लीकेज की वजह से उसको खोलना ही पड़ता है। आप जितनी मर्ज़ी सिलिकॉन लगाई जाए लीकेज को, लेकिन वो पानी का वज़न इतना होता है कि उस जगह पे ठहरती नहीं है सिलिकॉन, फिर वो लीक हो जाता है। तो आज मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों को दिखाऊं कि अगर कभी एक्वेरियम खोलना पड़ जाए तो कैसे खोला जाएगा। इस तरह खोल के इसको दोबारा फिर शुरू से सिलिकॉन लगेगी और दोबारा ये सेट होगा, फिर इसकी लीकेज ख़त्म हो जाएगी, वरना इसकी लीकेज होती रहेगी। देखें माशाल्लाह भाई ज़ोर लगा रहे हैं, देखें वो ब्लेड है हाथ में, वो नीचे टूट गया ब्लेड, एक और ब्लेड टूट गया, अल्लाह का शुक्र हाथ बच गया। दो ब्लेड अब तक टूट चुके हैं क्योंकि शीशा मोटा है। एक ये खोला था, इसका शीशा बारीक था, यानी कि वो बारीक ही शायद जल्दी खुल गया। ये पूरा एक्वेरियम खुला पड़ा सामने, ये वाला खुल रहा है। अब नया ब्लेड आया जी, अल्लाह खैर करे, काम तो मुश्किल ही है, डेंजरस काम है ये, ब्लेड बहुत तेज़ है, अगर हाथ को लग गया तो वो सारी फिंगर उतार के रख देगा, इतना तेज़ ब्लेड है जी। और अगर थोड़ा सा हाथ चूम गया तो शीशा भी टूट सकता है। ये बहुत देख के सोच समझ के ये काम होगा, इतना आसान काम नहीं है, यह तो मुश्किल ही है, लेकिन लीकेज तो रोकनी है ना, सारा खुलेगा, दोबारा से इसको साफ करके सिलिकॉन के साथ जोड़ा जाएगा, इंशाल्लाह फिर इसकी लीकेज खत्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि एक्वेरियम बनाते हुए तो मैंने वीडियो काफ़ी बनाई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर की है, तो अगर कोई पुराना एक्वेरियम अगर लीक हो जाए तो उसको कैसे सेट किया जाता है। हल्का फुल्का सिलिकॉन लगाने से वो फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पूरा एक दफ़ा खोल लेंगे, तो खोलने के बाद फिर इसको दोबारा सिलिकॉन के साथ जोड़ देंगे, फिर उसके बाद लीकेज नहीं होगी। अगर किसी को एक्वेरियम वगैरह अगर ठीक करवाना है साई वाल में, या तो लीकेज है तो रब्ता कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और फॉलो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें थोड़ा थोड़ा हिलता है, थोड़ा सा ही खड़ा खड़ा हो जाएगा, भी है कि हाथ में ना लगे, शीशे का काम है। ये देखें जी, ये शीशा एक साइड का तो खुल गया, ये देखें एक साइड तो खुल गई, और ये दूसरी साइड पे काम हो गया।
बड़े वाला हिस्सा भी उतर गया जी, माशाल्लाह रह गया जी। लग रहा है ये चौथा प्लेट लग गया। चला गया चला गया चला गया। क्या 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 टूट गया प्लेट पे।